तो दोस्तों, सुना है ना, हर पुरानी हवेली में कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है। आज मैं आपको ऐसी ही एक हवेली का किस्सा बताता हूं, 200 साल पुरानी, जिसकी कहानी सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है सीक्रेट स्थान के एक छोटे से गांव की, जहां एक पुरानी हवेली है। कहते हैं 1824 में बनी थी ये हवेली, लेकिन इस हवेली की दीवारों में एक डरावना रहस्य छिपा है। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि इस हवेली में एक अमीर व्यापारी रहता था। उसकी बेटी थी बड़ी सुंदर और भोली, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सब बदल गया। रात के सन्नाटे में चीखें गूंजने लगी। हवेली के कोने कोने में लोगों को एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ। कहते हैं उस व्यापारी की बेटी की रूह आज भी हवेली में भटकती है। कुछ लोगों ने तो आधी रात को हवेली की खिड़कियों में एक परछाई भी देखी है, और जो भी उस हवेली के अंदर गया कभी लौटकर नहीं आया। गांव वालों ने बहुत कोशिश की हवेली का राज जानने की, पर नाकाम रहे। आज भी उस हवेली के पास जाने से लोग घबराते हैं। हवेली के आसपास एक अजीब सा सन्नाटा रहता है, और उसकी ऊंची दीवारें जैसे कोई डरावना राज अपने सीने में छिपाए हैं। तो दोस्तों, अगर आप कभी सीक्रेट स्थान के उस गांव जाएं, तो उस 200 साल पुरानी हवेली से दूर ही रहना। कौन जाने, हवा में घुलती वो चीखें और हवेली में भटकती वो परछाई आपको भी अपने साथ ले जाए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली बार फिर किसी नए रहस्य के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।